पूरे जग विच वसदे हुए पंजाबी प्यारियो इसान बाजवा महलावत महलावत जट कबीला दी वीडियो लैके तुहाडी खिदमत हाजिर है। इहदा जिहड़ी प्रोनाउंसिएशन है महलावत भी है, किते महलावत आंदे ने किते महलावत आंदे ने। महलावत जट कबीला सिंध वलायत जट देश दा सदियां पुराना कबीला है जो पूरे जट देश अंदर पसरिया होया। महलावत मल्ली जट दे पुत्र नायक दा अगू पुत्र सुहावण दा पुत्र सी। ये सारा नतारा असी आखर ते महलावत जट कबीला दा कुरसी नावा तुहाडे नाल सांझा करन लग्या करांगे। पहला असी वेखदे हां भई ये महलावत जट कबीला बारे वख वख तज़किरे करन वालियां ने किवें किवें ते किथे किथे की जिक्र कीता। ग्लासरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट्स विच ई डी मैकलेगन ते एच ए रूज ने अपनी किताब विच महलावत कबीले दा उक्का नां तिकर नहीं लिया अते जटां दे एडे तगड़े कबीले नूं अखियां तों ओले कर छड्डिया। अपनी किताब जाट्स दा एंशिएंट रूलर विच बी एस दाइया आखदे ने ये उही लोग ने जिन्हां नूं यूनानियां ने मलोई दा नां दित्ता। चौथी सदी कबल मसीह विच ये लोग रावी दरिया दे लहिंदे कंढे उत्ते अते चनान ते जेलम दी दुमेल दे दक्षण वाले पासे वसे हुए सन। इन्हां नूं जगों नवेकले जोरावर ते बहादुर कबीला मन्निया गया। इन्हां कोल आकसी ड्राइकी सने घट्टो घट्ट एक लख हथियारबंद लड़ाकू सन। यूनानी इन्हां तों चौखे तरठे हुए सन ते उन्हां जदों सिकंदर यूनानी नूं इन्हां नाल लड़ाई करन लई आख्या तां चौखा चेर यूनानी जिहड़े ने यको तकियां विच पए रहे और सिकंदर भी कदी उहदा दिल वड़दा निकलदा सी कि मैं लड़ां या ना लड़ां ते उह इस जट कबीले नाल लड़े या ना लड़े ये सोचदा रहा ते जदों उहनूं नक्कों मूंह झुल गई तां उह इस कबीले नाल लड़ाई करन लई तैयार हो गया। इस लड़ाई विच सिकंदर दी जान जिहड़ी है मसां बची सी ये बी एस दाइया ने दस्सिया, लेकिन बची नहीं सी। ये भी सारा भुलेखा सी जिहड़ा यूनानी जरनैलों ने पूरी दुनिया नूं ओला रखण वास्ते कीता होया सी ताकि फौज बददिल ना होवे। हालां सिकंदर नूं मल्ली जट्टां दी नसल ने तलंबा विच मार छड्डिया सी ते उसदी लाश इत्थों गई सी। अगे इस तज़किरे विच लिखिया है कि मालवा मल्ली महलावत कबीले अते आकसी ड्राइकी जी दी हाली तीकर सुझान नहीं हो सकी। विचकार पुरानी दुश्मनी सी पर सिकंदर दा मुकाबला करन लई उहनां दोहां ने आपो विच सुलह कर ली सी। इत्थे एक नतारा करदे जाइए भी आकसी ड्राइकी को होर कबीला नहीं सी सगो जट्टां दा ही कबीला सी सोढ़ी और वह ये सारे कट्ठे सन। तो यूनानियां ने उस वेले दी जट्टां दी जिहड़ी फौज सी उहनूं आकसी ड्राइकी आख्या जिहदे अंदर जट्टां दे सारे मशहूर कबीले एक झंडे दे हेठ लड़दे सन। तो यूनानियां ने इन्हां जट्टां नूं आकसी ड्राइकी आख्या जिहदा मतलब हुंदा उड्डना सप्प उड के हमला करन वाले। तो यूनानियां ने जट्टां दी इस फौज बारे लिखिया है भई इह उड के यूनानी जरनैलां उन्हां ते हमला करदे सन। यूनानी जरनैलां इह भी आख्या सी कि साडे कोल जट्टां वर्गी फौज हुंदी तां असीं सच्ची मुच्ची पूरी दुनिया नूं फतह करन दा जिहड़ा सुपना सी पूरा कर लैंदे। बी एस दाइया ने अगे जाके लिखिया भी आकसी ड्राइकी अते मल्ली जट कबीले दे मुंडे सन कुआरे मुंडे। वह दोवें कबीलिया ने एक दूजे नाल इन्हां ने आपस च कुड़ियां मुंडियां दा विआह कीता ते इंज उन्हां दी सांझ वध गई। तो अगे लिखिया होया भी भावें यूनानियां ने इस जंग विच अपनी जित दा जिक्र कीता पर सुलह दीआं जिहड़ीआं शर्तां दा जिक्र कीता उहदे तों इह नहीं लगदा भी जट्टां दी फौज सिकंदर दीआं फौजां तों हारी होवे। पंजाब के मालवा के लोग इस वेले राजस्थान वल चले गए तो ओड़क हिंद सिंध दीआं जूहां विचों जाके वस गए ते उन्हां दी वसण जूह तों उन्हूं मालवा दा नाँ दिता गया। जमहूरीयत दा जदों हाली नाँ दा भी नहीं सी किसे नूं पता, जट्टां विच उस वेले भी जिहड़ी है जमहूरी जिहड़ी है उन्हां दीआं कदरां नूं उह जाणदे सन और इस तरीके नाल उह बादशाही दा निज़ाम कायम करदे सन। तो दस्सिया कि उन्हां दे सिक्कियां ते मालवा नाम जय अते मालवा गणेशिया जय वर्गे लफज़ उकरे हुए सन। इस वेले दे मल जट उन्हां दी नसल ने इतफाक नाल सुबूती यानी यूनानियां दे सोफेस्टीज़ ने इस वेले दे सोबती यानी पंजाबी अते अगरी रोहतक ज़िला दे पिंडां विच एक जात भी है। वे बयान जो गल ए वे भई मती प्रकाशिका विच इन्हां नूं बेमज़हब लिखिया गया ते मेगस मेगसन थीन्स आखदा देवी स्तीतर दे जमाने विच ये लोग पंजाब विच वसे हुए सन। पानी नीत चंद्र दा आखण है भई ये लोग ना ते ब्राह्मण सन
ते ना ही छत्री सन। ये लोग अपने मुरदिया दफनाते सन ते उत्ते कबर बनाते सन। मल मल्ली महलावत एक ही है कौम जापदी है। महलावत का जिक्र पा तंजली ने भी किया। दिल्ली तो धर्मवीर सिंह महलावत होर दस्या भी शहर के मरकज में महलावत जटा के 6 वड्डे पिंड सन जेडे दिल्ली के सेंटर चाहते सन और जेडे अज तक भी वो आते हैं जी साढ़े असी आप पिंड बैठे हुए हैं और उन्होंने जमीन के दिल्ली का ढेर हिस्सा बनया गया जो हूँ सारा शहर बन गया। उन्होंने रहन सहन अज भी जटा वर्गा। इहदे तो इलावा उन्होंने दस्या कि इत्थे बहुत ज़्यादा महलावत जट वसदे ने हरियाणे के इलाके अगे पिछे। इन्हां नूं महाभारत के जमाने की सरोया नस्लों चंद्रवंशी बादशाह मल्ला की नस्ल दस्या गया। हालांकि जटा की सूरजवंशी नस्ल है। डॉक्टर अभिमा ने लिखा होया 326 कबल मसीह सिकंदर यूनानी के हले वेले पंजाब के जट राजस्थान में जा वसे तो उत्थे सीवी ते यदियास मालवा मदारस नां दे शहर वसाए ते होर 666 सेवाणा शेरगढ़ शेवगंज नां दे उन्होंने उत्थे शहर वसाया। अगे भीम सिंह दाता आखते ने कि मल मलाया माला ते मलोई इको ही नाँ है। इन्हां दी मालवा की तारीख ना जुड़त सारियां तो सामने उगड़ के नज़र आउंदी है और उन्हां दा मालवा की तारीख ना जुड़त वाली गल ठीक भी है जिन्हों सारियां ने मन्निया। पर ये गल जिहड़ी कीती गई है भी मालवा वालियां अज उन्हां दा वजूद नज़र नहीं आउंदा ते ओह राजपूतां विच रल मिल गए ने ये गल ठीक नहीं। ये उन्हां लोकां दी घड़त है जिन्हां नूं राजपूतां तों अड होर कोई शै नज़र नहीं आउंदी। मल्ली अते मलोई अज भी जटा में एक तगड़ा कबीला है अते तारीख विचों उन्हां दा जट होण भी सिक्केबंद साबित हुंदा है। हनुमानगढ़ राजस्थान ते होर इलाकों में महलावत जटा की ढेर गिनती वसदी है। 4वीं सदी ईसवी तीकर मुल्तान का इलाका इन्हां दे राज हेठ सी ते उन्हां नेड़े उन्होंने शालपुर का किला भी वसाया सी। 7वीं सदी तीकर इन्हां दी ढेर गिनती हो गई सी। हुण असीं महलावत जट कबीला दा कुर्सीनामा साझा करदे हां जो मीरपुर मथेला तो साडे सिंधी जट भरा आरिया डॉक्टर लाल बख्श नायक मल्ली जट ने साडे नाल साझा किया। हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम होरां तो चोखा गेरे पुज के ना आउंदा है। हज़रत अयूब अब्बल होरां दा इन्हां दा दूजा नाम नाहूर सी और ये मुल्तान के बादशाह भी रहे। उन्हां दा बाजार भी मुल्तान के बूहड़ गेट के अंदर बार है। इन्हां दे पुत्र सन शब्बर बशर बशीर शबीर खारान जेडे अम्मा सायरा दे वालिद सन ते अगला पुत्र सी तारख ते अगले पुत्र सी आज़र। इन्हां विचों तारख दे घर पुत्र जमे हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम फाऊर नाहूर ते हारान। अगू फिर इन्हां विचों फाऊर की नस्लों होए लुकमान हकीम जे ते नाहूर दे दो पुत्र होए लजमान ते दीतुईल। अगों लजमान दियां दो धियां राहील ते लिया हुई। हारान दे पुत्र हज़रत लूत अलैहि सलाम होए ते अगों हज़रत इब्राहिम औरां दियां 4 सवाणियां विचों कुल 13 पुत्र ते 2 धियां होईयां। उन्हां दी वड्डी जनानी अम्मा सायरा विचों हज़रत असाक अलैहि सलाम जिन्हां नूं अगर सी भगवान भी आख्या जांदा है। अगों अम्मा हाजरा विचों हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम। अम्मा कतूरा विचों 6 पुत्र ते माई एक धी लालीबाई होई। अम्मा हाजियां दे घर 5 पुत्र ते धी लबूदाबाई होई। अगों हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम औरां 12 पुत्र होए ते एक धी बिस्मा होई जो हज़रत असाक अलैहि सलाम औरां दे पुत्र ईसू नाल व्याही हुई सी। हज़रत इस्माईल औरां दे मशहूर पुत्र सन नियाबूत जिन्हां दा दूजा नाम करन सी, मिशा जिन्हां ने मकाबाद किया, कीदार जिहड़े नबी पाक होरां दे जद्दे अमजद सन, उमेल ते पामेल इन्हां दी नसल असहाबे रस सदाई। अगों नियाबूत दा पुत्र होया उत्तरी, इहदा दूजा नाम अर्ची भी सी। ये अवतारा दा मोढ़ी सी, हिंदू अवतारा दा मोढ़ी सी अर्ची, उहनूं ब्रह्मा भी आखदे ने। अगों उत्तरी दे पुत्र सन वरुण जिहड़े जमगद्दी नसल ते परशुराम दा वटका जिहड़ा हिंदुआं दा 6वां अवतार सी परशुराम, ते दूजा पुत्र सी दरी ते तीजा पुत्र चंद्रमान। चंद्रमान जिहड़ा उहदी नसलों चंद्रवंशी कबीला होया। अगों नरी दा पुत्र होया सूरज ते सूरज दा पुत्र होया कशेप, कशेप दा पुत्र होया किरण ते किरण दा पुत्र फिर कशेप ते कशेप दा पुत्र द्योल, द्योल दा पुत्र
ਮਨੂ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨਸਲੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਵੱਛਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜਵੰਸ਼ੀ ਜੱਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਵੱਛਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਛਵਾ, ਕਛਵਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ, ਸ਼ਿਸ਼ਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਹੰਸਾ ਚਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਲਕ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਆਦੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ਨਸ ਚਾਲਕ। ਅੱਗੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਲਕ। ਅੱਗੋਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ, ਮਾਲਕੂ ਚਾਲਕ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ, ਲੀਲਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ, ਗਿਆਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰ ਮੱਲ, ਅਮਰ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਪ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ, ਹਸ਼ਮਤ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਬੂਰਾ ਚਾਲਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ, ਜ਼ਬਰ ਮੱਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੰਸਾ ਰਾਜ, ਹੰਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੋਜ ਰਾਜ, ਭੋਜ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿਰਨ ਰਾਜ, ਕਿਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਅਤੇ ਗਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ, ਕਵਾ ਸਿੰਘ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਅਤੇ ਬਾਲਦਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ, ਦੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰੂਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੰਸਾ ਸੀਨ ਅਤੇ ਹੰਸਾ ਸੀਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੂਲ ਰਾਜ। ਅੱਗੋਂ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਚਾਲਕ ਰਾਜ, ਚਾਲਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੋਤਰਕ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰੋਇਆ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮੱਲ ਰਾਏ ਮੱਲੀ ਅਤੇ ਮੱਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਜੀ ਫੁੱਟਾ, ਡਾਰ, ਨਾਇਕ, ਸ਼ਜਰਾ ਅਤੇ ਲੰਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬੁੱਚਾ, ਸਹਾਵਣ, ਨੌਲ, ਤੂਰ, ਪਨਾਇਕ, ਸੁਹਾਵਣ, ਸੁਹਾਵਾ, ਡਾਹਾ ਨੱਚ, ਵੜਛਾ, ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਬੱਚਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਵਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਡਬਗਰ, ਯਾਨੀ ਸੁਹਾਵਣ ਦਾ ਨਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਹਾਵਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਡਬਗਰ, ਸੋਤਰਾ, ਸਪਕ, ਸੌਰਖ, ਕਾਲਸੀਆ, ਦੋਧੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਤ। ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਮਹਿਲਾਵਤ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮਹਿਪਾਲਵਤ, ਮਹਲਾਵਤ, ਮਾਲਾਵਤ, ਮੱਲੂਵਤ, ਮਾਲਵਤ, ਬੱਲੂਵਤ, ਈਲਾਵਤ, ਮਲਕਾਵਤ, ਹੱਲਾਵਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾਵਤ ਦੇ। ਮਹਿਲਾਵਤ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਲਕ ਸਦਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਤ ਜੱਟ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਾਜਵਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ।